आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा प्यारा प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ ने सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया, और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। बिना झिझके, बिना घबराए कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भाईचारा, प्यार और जनता को जोड़ने की विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा जनता को तोड़ने की, नफरत फैलाने की, देश को कमजोर करने की विचारधारा। और आपने नतीजा देख लिया है, कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक ने नतीजा देख लिया है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान में क्या किया, ये देखिए, युवा ताली बजा रहे हैं, ये यहां से कह रहे हैं, चौकीदार ने हमें एक को रोजगार नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। हिंदुस्तान के किसान कहते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता है। चौकीदार, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। मगर हमने इन दो लोगों को क्यों भेजा, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। और आप यहां जो लोग खड़े हैं, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, पुनिया जी, जितिन जी, ये जो पूरी टीम यहां खड़ी हुई है, संजय सिंह जी, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। बिना 1 इंच पीछे हटे यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप दोनों को जहां भी मुझे बुलाना होगा बुलाइए। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का गरीब, सब के सब लोग उत्तर प्रदेश में प्रगति की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। सबको इन्होंने ट्राई कर लिया है, सबके सब फेल हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है, जमीन से लड़ाई होगी। देखिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैसेज है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जमीनी नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, तीनों की जिम्मेदारी है। जो हाई फ्लायर्स हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनसे आपका यहां काम नहीं होने वाला है। काम होगा तो जो गांव लड़ेगा, जो शहरों में लड़ेगा, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो कस्बों पे लड़ेगा, वो काम के लोग हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए और देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होती है। आप सबको दिल से धन्यवाद।
कि आप इतनी जोरों से इतनी शक्ति से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देश के युवा कहना चाहता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी आज उन्होंने कहा था 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है। मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। अब देखिए, सुनिए सुनिए, एक के बाद एक सच्चाई निकली है। दो तीन दिन पहले अखबार में आता है कि चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया था, वायुसेना का जो नेगोशिएशन चल रहा था उसको नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। वायुसेना और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि चौकीदार, उसके बाद हर डिफेंस डील में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्लॉज होता है, उसमें साफ लिखा जाता है कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो हिंदुस्तान की सरकार कार्रवाई कर सकती है। उसमें लिखा होता है कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की जरूरत हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज होता है उसको रद्द किया, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने के लिए किया, देश की जनता से पैसा चोरी करने के लिए किया। चौकीदार चोर है और यह बात देश के हर कोने में गूंज रही है। आजकल नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं, पहले नरेंद्र मोदी जी यूं भाषण करते थे, 56 इंच की छाती यूं। आजकल नरेंद्र मोदी यूं भाषण करते हैं, भाई और बहनों, मैं अनिल अंबानी को नहीं जानता, मैंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वायुसेना के लोगों ने यह नहीं कहा कि मैं पैरेलल नेगोशिएशन करता हूं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देते हैं। मोदी जी के अंदर जो खोखलापन था वो पूरे देश के सामने आ गया है, पूरे देश को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को मालूम है कि चौकीदार चोर है, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास एक के बाद एक इश्यूज हैं। आप भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हो, बोलो चौकीदार चोर है। आप किसानों की बात करना चाहते हो तो बोलो चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ 15 लोगों का किया, किसानों का कर्जा माफ किया। आप रोजगार पर बोलना चाहते हो, बोलो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवा रोजगार देने की बात की, झूठ बोला, युवाओं से चोरी की और अपने मित्रों का पता किया। आपके पास इश्यूज की कोई कमी नहीं है, आप खाली आगे बढ़ो, दबा के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ो और देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए यहां गठबंधन भी लड़ रहा है और मैंने बोला, साफ बोला कि मायावती जी और अखिलेश जी का मैं आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए लड़ेगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट की ओर से आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक देता हूं कि आप इस प्रदेश की राजनीति को बदलें और उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों का जो सपना है उस सपने को आप दोनों पूरा करके दिखाएं।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।